टाइगर श्रॉफ के लिए पिछले 2-3 साल काफी कुछ अच्छे नहीं रहे। साल 2022 से एक हिट के लिए तरस रहे, पर हर बार उन्हें फ्लॉप का मुंह देखना पड़ता है। हाल ही में सिंघम अगेन में रिलीज हुई, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड रोल नहीं था। यूं तो इस फिल्म में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लोगों ने खूब तारीफ भी की। इसी बीच उनकी नई फिल्म बागी 4 की रिलीज डेट भी आ गई है और एक पोस्टर भी आया है। इस बार रोनी यानी कि टाइगर श्रॉफ का अंदाज बिल्कुल बदल गया है। वो बेहद खूंखार लुक में दिखाई दे रहे, चारों तरफ खून ही खून है। सिगरेट एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे में धारदार हथियार। यूं तो पहला पोस्टर बेहद जबरदस्त है, लेकिन लोग इस पर एक्टर पर सवाल कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 को हर्षा डायरेक्ट कर रहे हैं, वही साजिद नाडियाडवाला फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे हर बार की तरह। इस पोस्टर से पता लगा कि फिल्म 5 सितंबर 2025 में रिलीज होगी और पोस्ट के कैप्शन में लिखा भी गया कि इस बार अंदाज पहले वाला नहीं होगा, वो नए अवतार में दिखने वाले। क्या टाइगर श्रॉफ का ये मिशन उनकी फ्लॉप फिल्मों का कलंक हटा पाएगा, देखना होगा। दरअसल बागी का पहला पार्ट साल 2016 में रिलीज हुआ था। यह पिक्चर सेमी हिट रही थी, वही इसका सीक्वल 2018 में आया जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। साल 2022 में बागी 3 आई, इस फिल्म को भी ठीक ठाक रिस्पांस मिला था, एवरेज सी गई थी। टाइगर श्रॉफ की भी ख्वाहिश होगी कि इस फ्रेंचाइजी की एक फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हो जाए। ऐसे में बागी 4 का जो लुक सामने आया उसे देखकर लगता है कि इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, पहली फिल्म का नाम था हीरोपंथी जो हिट गई थी। इसके बाद लगातार काम करते हुए चले गए टाइगर श्रॉफ, लेकिन उन्होंने 10 साल के करियर में सिर्फ एक ही ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है और इनमें से 6 फ्लॉप। अब खुद टाइगर श्रॉफ व उनके फैंस को काफी उम्मीद है बागी 4 से। देखना ये होगा क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताना, बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।